नमस्ते, एडिक्स हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ टीचर जो और आज मैं आपके लिए एक अपठित गद्यांश लेकर आई हूँ। अपठित गद्यांश को हम अनसीन पैसेज या कॉम्प्रिहेंशन पैसेज भी बोलते हैं। अगर आप हिंदी सीख रहे हैं तो ये एक्टिविटी आपके लिए बहुत जरूरी है। इफ यू आर लर्निंग हिंदी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, क्योंकि इसके अंदर आपकी लिसनिंग स्किल्स डेवलप होंगी, आपकी वोकैबुलरी डेवलप होगी और आपको समझ में आएगा कि प्रश्नों के उत्तर कैसे दिए जाते हैं। इफ़ यू आर अ नॉन नेटिव स्पीकर और लर्निंग हिंदी एज अ सेकेंड लैंग्वेज, दिस इज अ वेरी गुड एक्टिविटी फॉर यू। यू विल डेवलप योर लिसनिंग स्किल्स, योर वोकैबुलरी स्किल्स, योर ट्रांसलेशन स्किल्स एंड इन द एंड यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड हाउ टू आंसर सिंपल हिंदी क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। मैंने इस वीडियो को चार हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले मैं आपके लिए ये पैसेज पढ़ूंगी। इसके लिए आपको सिर्फ ध्यान से इस पैसेज को सुनना है। आई एम गोइंग टू रीड दिस पैसेज फॉर यू, यू हैव टू लिसन केयरफुली। आइए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। मानव एक गरीब लड़का था। शनिवार को उसके दोस्त साहिर का जन्मदिन था। साहिर ने मानव को जन्मदिन मनाने के लिए अपने घर पर बुलाया। मानव बहुत उदास था क्योंकि उसके पास उपहार देने के लिए कुछ भी नहीं था। तभी अचानक उसे याद आया कि उसके पास एक नई किताब थी जो उसके पापा ने उसे ला कर दी थी। उसमें मनोरंजक कहानियां थीं। मानव ने साहिर को वह किताब उपहार में दी। साहिर को मानव का उपहार बहुत पसंद आया। और अब हम इस वीडियो के दूसरे हिस्से पर जाते हैं जहां पर आपको शब्दावली लिखनी है। यू हैव टू मेक अ नोट ऑफ ऑल द की वोकैबुलरी वर्ड्स दैट वी हैव यूज्ड इन दिस पैसेज इन अ नोटबुक। सो अब हम शुरू करते हैं, अब हम शब्दावली करेंगे। वी विल डू सम वोकैबुलरी वर्ड्स रिलेटेड टू दिस पैसेज। गरीब, पुअर, लड़का, बॉय, शनिवार, सैटरडे, दोस्त, फ्रेंड, जन्मदिन, बर्थडे, मनाना, टू सेलिब्रेट, बुलाना, टू कॉल और टू इनवाइट, उदास, सैड, उपहार, गिफ्ट, अचानक, ऑल ऑफ अ सडन, याद आना, टू रिमेम्बर, किताब, बुक, मनोरंजक, इंटरेस्टिंग, कहानियां, स्टोरीज, पसंद, लाइक। अब आपने इस पैसेज से रिलेटेड 15 नए शब्द सीख लिए हैं। यू हैव लर्न 15 न्यू वोकैबुलरी वर्ड्स फ्रॉम दिस पैसेज। अब इस पैसेज को पूरी तरह से समझने की बारी है। नाउ आई एम गोइंग टू ट्रांसलेट दिस पैसेज फॉर यू फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एंटायर पैसेज। सो अब हम शुरू करते हैं। आई विल रीड द पैसेज एंड ट्रांसलेट इट फॉर यू। मानव एक गरीब लड़का था। मानव वॉज अ पुअर बॉय। शनिवार को ऑन सैटरडे उसके दोस्त साहिर का जन्मदिन था। इट वॉज हिज फ्रेंड्स साहिर्स बर्थडे। साहिर ने मानव को जन्मदिन मनाने के लिए अपने घर पर बुलाया। साहिर इनवाइटेड मानव टू हिज हाउस टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे। मानव बहुत उदास था। मानव वॉज वेरी सैड क्योंकि उसके पास उपहार देने के लिए कुछ भी नहीं था। Because he had nothing that he could give as a gift to his friend. Tabhi achanak, and then all of a sudden,
उसे याद आया, he remembered कि उसके पास एक नई किताब थी, that he has a new book, जो उसके पापा ने उसे लाकर दी थी, that was given to him by his father. उसमें मनोरंजक कहानियां थी, the book had interesting stories. मानव ने साहिर को वह किताब उपहार में दी. मानव gave that book to साहिर as a birthday present. साहिर को मानव का उपहार बहुत पसंद आया. साहिर really liked his birthday present that was given by मानव. अब आपको ये पैसेज समझ में आ गया है. अब बारी है कि हम इस पैसेज से रिलेटेड कुछ प्रश्न उत्तर करें. लेट्स डू सम क्वेश्चन एंड आंसर्स रिलेटेड टू दिस पैसेज. आइए शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट. प्रश्न एक, मानव कैसा लड़का था? जब भी कैसा शब्द आता है, इट कैन ऑल्सो मीन दैट डिस्क्राइब व्हाट काइंड ऑफ बॉय वॉज मानव. याद रखिए, अनसीन पैसेजेस यानी अपठित गद्यांश में आपको हमेशा उत्तर ढूंढना होता है. यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर फ्रॉम द पैसेज. इसलिए मैंने आपके लिए सभी उत्तर हाईलाइट कर दिए हैं. आई हैव हाईलाइटेड ऑल द आंसर्स फॉर यू इन द पैसेज सो दैट इट इज इजियर फॉर यू टू फिगर आउट वेयर एग्जैक्टली इज द आंसर. मानव कैसा लड़का था? व्हाट काइंड ऑफ बॉय वॉज मानव? इसका उत्तर है, मानव एक गरीब लड़का था. इसमें कीवर्ड है गरीब. गरीब का मतलब होता है पुअर. मानव वॉज अ पुअर बॉय. प्रश्न दो, साहिर का जन्मदिन कब था? व्हेन वॉज साहिर्स बर्थडे? रिमेंबर द कीवर्ड इंटरोगेटिव वर्ड कब मीन्स व्हेन. इसका उत्तर है, साहिर का जन्मदिन शनिवार को था. It was on a Saturday. अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी हम on Saturday को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो on changes to को not per when it is used with any day of the week. It is wrong to say शनिवार पर, सोमवार पर. Instead of that, you should say सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को, शनिवार को. सो रिमेंबर, ऑन ट्रांसलेट्स टू को व्हेन इट इज यूज्ड विद द डे ऑफ द वीक. साहिर का जन्मदिन शनिवार को था. इट वॉज ऑन अ सैटरडे. प्रश्न नंबर तीन, साहिर ने मानव को अपना जन्मदिन मनाने के लिए कहां बुलाया? बुलाना मीन्स टू कॉल. कहां इसका कीवर्ड है, ये एक इंटरोगेटिव वर्ड है. कहां मींस वेयर. सो वेयर वाज ही इनवाइटेड टू सेलिब्रेट द बर्थडे. मैंने आपके लिए हाईलाइट किया है, अपने घर पर बुलाया. ही कॉल्ड हिम एट हिज हाउस. साहिर ने मानव को अपना जन्मदिन मनाने के लिए अपने घर पर बुलाया. ही इनवाइटेड हिम टू हिज हाउस. प्रश्न नंबर चार, मानव उदास क्यों हो गया? Why was मानव sad? उदास का मतलब होता है sad and क्यों means why. Give us the reason. इसका उत्तर मैंने आपके लिए हाईलाइट किया है. जब भी क्वेश्चन में क्यों आएगा, यूजली आप आंसर में क्यों की बोलेंगे. क्यों means why and क्यों की means because. So हमारा आंसर होगा, मानव उदास हो गया क्योंकि उसके पास साहिर को उपहार देने के लिए कुछ भी नहीं था. He was sad because he had nothing that he could give as a gift to him. प्रश्न नंबर पांच, मानव ने अपने मित्र साहिर को जन्मदिन पर क्या दिया? So क्या means what? So what did he give to his friend on his birthday? मैंने आपके लिए हाईलाइट किए हैं तीन शब्द, किताब यानी बुक, और उस किताब में कुछ मनोरंजक कहानियां थी. सो मनोरंजक कहानियां मीन्स इंटरेस्टिंग स्टोरीज. तो हम आंसर लिखेंगे, मानव ने अपने मित्र साहिर को जन्मदिन पर एक किताब दी जिसमें मनोरंजक कहानियां थी. सो मानव गेव अ बुक टू हिज फ्रेंड ऑन हिज बर्थडे दैट हैड इंटरेस्टिंग स्टोरीज. प्रश्न छः,
साहिर को मानव का उपहार कैसा लगा? So how did he find him? कैसा लगा means describe what was his feeling. Did he like it or not? इसका उत्तर हमारे आखिरी सेंटेंस में है, साहिर को मानव का उपहार बहुत पसंद आया. पसंद आना means to like something. बहुत पसंद आना means like it a lot. So साहिर को मानव का उपहार बहुत पसंद आया. He liked it a lot. प्रश्न नंबर 7, आप अपने मित्रों को जन्मदिन पर उपहार में क्या देते हैं? अब ये एक क्रिटिकल क्वेश्चन है. ज्यादातर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जब आपको कुछ इंटरप्रिटेशन करनी होती है या खुद सोच के कुछ जवाब देना होता है. समटाइम्स इट इज रिक्वायर्ड दैट यू मेक अप योर ओन आंसर. इट इज अबाउट यू. सो नाउ द क्वेश्चन इज, दे आर आस्किंग, सो वॉट ऑल गिफ्ट डू यू गिव टू योर फ्रेंड्स? It has nothing to do with the passage. इसमें passage से कुछ भी answer नहीं है, इसलिए मैंने इसे highlight नहीं किया है. That's why you see nothing has been highlighted in the passage. Because this is a question which is asked to you and you have to make up your own answer. मैं अपने मित्रों को उनके जन्मदिन पर किताब या खिलौना देता हूँ. You say देता हूँ if it is a boy. You say देती हूँ if it is a girl. So आपको ये ध्यान रखना है, the verbs will conjugate as per the speaker. And किताब means book, खिलौना means toy. अब ये इस answer के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं. मैं अपने मित्रों को उनके जन्मदिन पर नए कपड़े देता हूँ. I give them new clothes. So आप कुछ भी अपना उत्तर बना करके लिख सकते हैं.